चीन और भारत में एलएसी पर जारी तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के फैसले ने सबको हैरत में डाल दिया है। गुतारेस ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के वरिष्ठ अधिकारी सिद्धार्थ चटर्जी को चीन में वैश्विक संस्था का स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया है। ये फैसला चीन सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया गया है, जिसके बाद अब चटर्जी अगले साल यानी 2021 में चीन की राजधानी बीजिंग में अपना पदभार संभालेंगे। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर एक तरह से उस देश में संयुक्त राष्ट्र का राजदूत होता है। इसी के साथ ही रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर का काम सतत विकास लक्ष्यों के तहत कोविड-19 महामारी से बेहतर तरीके से निपटने के लिए बाकी देशों की मदद के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के दल का प्रतिनिधित्व करना होता है। इस तरह से देखा जाए तो यह पद संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बेहद अहम है। वहीं इस पद के लिए सिद्धार्थ चटर्जी को चुने जाने और उनकी महत्वता के बारे में महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बताया कि चटर्जी के पास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सतत विकास, मानवीय मदद और शांति सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने का 25 साल से ज्यादा का अनुभव है, जो अनुभव उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और इससे बाहर कार्य के दौरान हासिल किया है। इसी के चलते उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें चीन में वैश्विक संस्था का रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर यानी स्थानिक समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। चटर्जी के कार्यों की बात करें तो उन्होंने भारत में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक की डिग्री हासिल की और अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय से लोक नीति में मास्टर डिग्री की पढ़ाई की है। अपने 25 सालों के कार्यकाल में उन्होंने केन्या में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर समेत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA के लिए भी काम किया है। पश्चिम एशिया और यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र की परियोजना सेवा के लिए क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर डेनमार्क में और संयुक्त राष्ट्र सहयोग मिशन UNMI के तहत इराक में भी वे चीफ ऑफ स्टाफ पद पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लिए कई देशों में काम किया है। वर्तमान समय में वे केन्या में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर पदभार संभाल रहे हैं और इस घोषणा के बाद चटर्जी 2021 से बीजिंग में अपना कार्यभार संभालेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत और चीन के तनाव के बीच एक भारतीय का चीन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के तौर पर काम करना किस बात का संकेत है। इस बात का अंदाजा लगाना फिलहाल बेहद मुश्किल है।